शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जब जेब में पैसे नहीं थे तो यहाँ आई क्यों? तुमने तो इतना सारा खाना खा लिया, इसका बिल कौन देगा? मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर बिल नहीं दिया तो पुलिस को बुलाऊंगा, जेल भिजवाऊंगा। ये भीड़ कैसी है? सर कोई लड़की है, पेट भर के खाना खा लिया, पैसे नहीं है देने के उसके पास। ढाबे वाला उससे मिसबिहेव कर रहा है सर। समझती क्यों नहीं हो? अरे साहब, नमस्ते सर। नमस्ते सूरज जी। सर इसका बिल पे कर दो, इस लड़के को जहां भी जाना है उसका इंतजाम कर दो। ओके सर। नमस्ते सर। ये लो। भाई अविराज, कल कन्ना जी की पार्टी है देहरादून क्लब में। बिल्कुल आऊंगा। या आइए। अच्छा नमस्कार। नमस्ते। चलिए मल्होत्रा साहब, मिलते हैं। जी प्रणाम साहब। सर ये अपने घर नहीं जाना चाहती थी और आपसे मिलने की जिद कर रही थी, इसलिए मैं आपके। क्या नाम है तुम्हारा? मातून। कहाँ से आए हो तुम? सर पुरुलिया। इसे बोलने दो ना। पुरुलिया। यहाँ देहरादून में है कोई तुम्हारा जानने वाला? नहीं। तो फिर यहाँ कैसे? और तुम वापस पुरुलिया क्यों नहीं जाना चाहती? अगर घर वापस गई तो घर वाले मुझे मार डालेंगे। मार डालेंगे? मैंने जो काम किया है
उसकी सजा यही होनी चाहिए। पूरी बात बताओ मुझे। मेरे शहर में कमल नाम का एक लड़का था, मैं उसे पसंद करती थी, वो भी मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन हम दोनों की जात अलग थी, इसलिए कमल ने कहा कि हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। इसलिए मैंने घर से कपड़े और गहने चुराए और उसके साथ भागकर देहरादून आ गई। सर वो लड़का बहुत शातिर निकला, इसे प्लेटफॉर्म की बेंच पे बिठा के इसके सारे पैसे और जेवर लेके भाग गया। ये बेचारी तो दिन भर भूखी प्यासी सर वहीं बैठी रही, फिर वहां से निकल के एक ढाबे पे आ गई। अच्छा ये बात बताओ कि मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? साहब आप इतने बड़े आदमी हैं, मुझे छोटी मोटी नौकरी दे दीजिए और सर छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह। लक्ष्मी जी। जी साहब। इस लड़की को अपने साथ ले जाइए। ठीक है सर। अब अकेली लड़की रात में कहाँ जाएगी, कल सवेरे सोचेंगे इसका क्या करना है। जी साहब। तुम आओ मेरे साथ। आफ्टर यू सर। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे मातुन ये क्या कर रही हो? वो थोड़ा बर्तन धो रही थी। बर्तन के लिए गीता आती है, छोड़ो। मैं कुछ हेल्प करूं आपकी? नहीं नहीं तुम जाकर आराम करो। प्लीज। ठीक है चाय के लिए पानी चढ़ा दो। ठीक है। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। साहब आज इतनी जल्दी ऑफिस? एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। नाश्ता? नाश्ता मैं ऑफिस में ही कर लूंगा लक्ष्मी जी। एक बात कहूं साहब? आप दो बातें कहिए। वो मातुन है ना? वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं चाहती हूं कि आप उसे यही रहने दें, मेरी किचन में मदद कर देगी। जैसी आपकी मर्जी। नमस्ते साहब। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। प्रणाम साहब। सारे पेपर्स ले लिए? यस सर, ऑल इज रेडी, प्लीज कम। थैंक यू। सर वैसे तो ये डील लॉक हो गई है ना, लेकिन फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ती है सूरज। यस सर। क्या हाल है विराज? सब ठीक है। इतने दिनों से आया नहीं बैडमिंटन खेलने? साइकिल बहुत बिजी चल रहा हूं मैं। ये बात ठीक नहीं है, अपनी सेहत का ख्याल रखो। आई नो। और कैसा चल रहा है? सब ठीक है। अ वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये हॉस्पिटल के पेपर हैं। वैसे तो सॉफ्ट कॉपी की वेटिंग तुमने कर ही दी थी। या अब जल्दी जल्दी ये प्रिंट आउट भी देख लो।
यहाँ क्या कर रही हो? वो चाय। इस फ्रेम को गिराने की क्या जरूरत थी? जी मैं वो जाओ यहां से, जाओ यहां से। क्या हुआ? साहब इतना जोर जोर से क्यों बोल रहे थे? हाँ ओह, मेरी गलती है। मुझे उस कमरे के बारे में तुम्हें बताना चाहिए था। उस कमरे में साहब के अलावा और कोई नहीं जाता। खैर तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। वैसे भी वो अंदर से टूटे हुए इंसान है। ऐसा क्या खास है उस कमरे में? कुछ यादें बीते हुए कल की। मैं समझी नहीं। वो कमरा सुनीता मेम साहब का है। 10 साल हो गए उनको इस दुनिया से गए हुए। अभी बात करो कि तुम मेरे जाने के बाद बिल्कुल नहीं रोगे। साहब बिल्कुल बदल से गए। उनके होठों की हंसी जैसे गायब सी हो गई। और फिर साहब ने मेम साहब की सारी यादों को उस कमरे में संजो के रख लिया। साहब कुछ और चाहिए? नहीं लक्ष्मी जी, थैंक यू। लक्ष्मी जी। जी साहब। वो लड़की कहाँ है? क्या नाम है उसका? माथुन। माथुन। सुबह सुनीता के रूम में चाय लेकर आ गई थी, मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया। मैंने उसे समझा दिया है, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगी। बाय द वे, वो सुबह की चाय किसने बनाई थी? माथुन ने। क्यों साहब, ठीक नहीं थी चाय? चाय बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल परफेक्ट। बता दीजिएगा उसे कि उसने बहुत ही टेस्टी चाय बनाई थी। जी साहब। जी जी, बुलाया? मैं मसूरी जा रही हूँ अपने बेटे के पास, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कल शाम तक वापस आ जाऊंगी। वैसे साहब को बता दिया है कि मैं जा रही हूँ। इस बीच साहब के खाने पीने का ख्याल तुम रखोगे। ठीक है। साहब की पसंद की सारी चीजें इस लिस्ट में लिख दी है, देख लो। जी अब मैं लेके चलती। बात ही है
कि हम जा रहे हैं मसूरी और वहां से लौटते लौटते काफी रात हो जाएगी। एक काम करते हैं, कल आराम से बैठ के बतियाते हैं, ठीक है ना? आप फोन रखो और यार दिमाग मत चाटो, रखो। भैया जी। मैडम मातुन जी, घर का अच्छे से ख्याल रखना जी। जी। खुश रहो। ये इतने अच्छे नहीं है। कैसी है मातोन? हाँ सब ठीक चल रहा है ना? अब जी सब सब ठीक चल रहा है, बस आपकी मेहरबानी है। वो देना भैया, यही रोको। अरे आ गई आप लक्ष्मी जी। भैया पैसे लो। आइए। कैसे हो रहमान? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ बेटा कैसा है? अभी ठीक है। अच्छा ये बताओ साहब आ गए क्या? हाँ वो शायद खाना खा रहे हैं। तुम्हें कैसे पता कि साहब खाना खा रहे हैं? वो मातून आई थी ना मेरे पास करेले की सब्जी लेकर, तो उसने बताया कि साहब का खाना लगा के आई है। करेले की सब्जी और साहब? हे भगवान, ये लड़की एक दिन भी रसोई नहीं संभाल सकती। मेरे मना करने के बावजूद इस लड़की ने करेला और भिंडी की सब्जी बनाई, जो सब्जियां साहब को बिल्कुल पसंद नहीं। वाह मातुन, मुझे तो पता ही नहीं था कि करेले में भी इतना स्वाद हो सकता है। साहब दाल कैसी बनी है? दाल कैसी बनी है, तुमने तो बिल्कुल गांव की याद दिला दी। थैंक यू।
चाय की पत्ती और शक्कर का डिब्बा खा रख दिया। इस लड़के ने पूरे किचन का सामान उथल पुथल कर दिया। अब कहाँ ढूंढू मैं? लो यहाँ रख दिया। ढूंढ ढूंढ के थक गए। अब दूध कहाँ रख दिया? अरे, आप आ गई? कैसा है आपका बेटा? अब ये बता, किचन का सारा सामान तुमने उलट पुलट क्यों कर दिया? मुझे लगा कि किचन का सारा सामान अगर मैं ठीक से सजा दूंगी तो आप खुश हो जाएंगी, और वैसे भी कुछ डब्बे और बोतलें पुराने हो गए थे, इसलिए मैंने चेंज कर दिए। मतलब तू कहना क्या चाहती है? हाँ, मुझे किचन साफ रखना नहीं आता, कल को तुम ये भी कहोगी कि मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। आपको बुरा लगा क्या? और नहीं तो क्या। ठीक है फिर, अगर आपको यह सब अच्छा नहीं लग रहा है तो आज के बाद आपसे बिना पूछे मैं कुछ नहीं करूंगी। ये तुम्हारे लिए ठीक होगा, समझी? जी समझ गई। हेलो, जी ठीक है। किसका फोन था? साहब का फोन था, ऊपर बुलाया है। उन्होंने मुझे बुलाया है। तो बता क्यों रही है, जाओ। आप अभी भी मुझसे नाराज है क्या? मैं तुमसे नाराज क्यों रहने लगी? वो मैंने जो किचन में, नहीं मैं नाराज नहीं हूं तुमसे, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, ठीक है? जी बिल्कुल। मातुन बैठो। साहब ने तुम्हें क्यों बुलाया था? अरे हाँ, उनकी बहन है ना, वो अमेरिका से आ रही है। कांता दीदी आ रही है? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। उनकी खाने के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। अच्छा? हाँ, उनको देसी खाना बहुत पसंद है ना? हाँ, उन्हें देसी खाना इतना पसंद है कि पूछो मत। इसलिए साहब चाहते हैं कि उनके लिए सारा खाना मैं ही बनाऊं। क्या साहब ने तुमसे कहा उनके लिए खाना तुम बनाओगी? हाँ। अच्छा, तो ये लड़की मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है। मुझे क्या, मैं तो चली जाऊंगी अपने बेटे के पास, अगर मेरी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे तो। लेकिन सुनीता मेम साहब को दिए हुए वादे का क्या करूं? जौन हमारे गांव के बगल तालाबवा है, हाँ? वो के पास एक बड़का मंदिर है, और गांव वालन का मानना है। काका साहब आ गए। प्रणाम साहब। प्रणाम। चलो मार्केट चलते हैं, कल दोपहर में कांता दीदी आ रही हैं अपने बहू और बेटे के साथ। हाँ। उनके खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए लक्ष्मी जी, आप आराम कीजिए, इस बार खाना बनाने की जिम्मेदारी मैंने मातुन को दी है। आजा, कम चलती हूँ। वाह लक्ष्मी, इस बार तो तुमने कमाल ही कर दिया, बहुत ही लजीज खाना बनाया है। दीदी ये कमाल इस बार लक्ष्मी का नहीं है, ये कमाल मातुन का है। इसका नाम मातुन है जी। बहुत ही बढ़िया खाना बनाया। शुक्रिया लक्ष्मी जी। ये लड़की आगे निकल गई तुमसे, इसे तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी। मातुन तू यही रुक, मैं किचन में देखती हूँ, शायद गैस जला छोड़ा ही हूँ। जी। तो क्या कहते हो विराज, ले जाऊँ इसको अपने साथ यूएस? अगर ये मान जाती है तो ले जाइए, मुझे क्या प्रॉब्लम है। नहीं मैं यही ठीक हूँ। मुझे मालूम था यही जवाब होगा। 8 साल पहले जब मैंने लक्ष्मी को पूछा था, उसने भी यही कहा था, परेशान मत हो जाओ, नहीं ले जा रही हूँ तुमको यूएस। नो 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 नो,
माँ तुम दिव्या को पनीर मत देना, वो वेगन है ना बेटी। वेगन का मतलब क्या है दीदी? बेटा कुछ लोग दूध या दूध से बनी चीजें नहीं खाते हैं। उनका मानना है कि जानवरों के साथ ज्यादती है, कि उनका दूध निकालो और उसे इस्तेमाल करो। हमारी दिव्या भी उन्हीं में से एक है, जैसे वेजिटेरियन उससे भी एक कदम आगे वेगन। अच्छा, तो फिर मैं दिव्या भाभी के लिए कल से बिना दूध वाली ब्लैक कॉफी बनाऊंगी। वाह, तुम तो बहुत समझदार हो भाई, वाह। आपको क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हैं। क्या कहो भैया, अगर कल की आई हुई छोकरी के सामने हमारी बेइज्जती हो जाए तो क्या करूं? क्यों, क्या हुआ? साहब से लेकर कांता दीदी तक मातून के खाने की तारीफ कर रहे हैं। सोच रही हूँ कहीं मेरी छुट्टी ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, साहब आपको बहुत मानते हैं और वो बच्ची ही तो है। कोई बच्ची बच्ची नहीं है वो, बहुत तेज है वो, आपके सामने सबको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। अरे नहीं भाई, मैं नहीं मानता। अरे तू तो चुप कर, तुझे सुबह सुबह जो चाय बनाकर दे जाती है ना, इसलिए तू उसकी तरफदारी कर रहा है। तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ किया क्या उसने? हाँ, कल जब साहब लॉन में टहल रहे थे तो मुझे नसीहत दे रही थी कि कब कब कौन कौन से फूल खिलाने चाहिए। अरे माली मैं हूँ और ज्ञान देती है वो, सब पे जादू चलाना जानती है वो। देखा, कांता दीदी और साहब को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कैसे बहला रही है। मैं कहानी बताती हूँ, ठीक है? मैं अपने छोटे भाई के साथ पुरुलिया से आसनसोल जा रही थी। हड़वा में जड़वा समाई रे विदेशिया। ए ले ए ये ले, लालो, अगर जिंदगी भर भी कोशिश करोगे ना तो हमसे जीत नहीं पाओगे। अरे ट्रेन कहाँ रुक गई? लगता है कौन स्टेशन आ गया। जा भाई खाने के लिए ले का कुछ। टिकट प्लीज। उत्तरी, अबे मैजिस्ट्रेट चेकिंग चालू है, विदाउट टिकट वाले को पकड़ के लेके जा रहे हैं। क्या? अरे तो उठो फिर। हम लोग भी तो विदाउट टिकट है। हाँ। अरे बैठे रहो, घबराओ ना, अगर ऐसा मुँह लेके बाहर जाओगे ना धर लेगा। टिकट तो हमारे पास भी ना है, पर देखो आराम से बैठे हैं। अरे चाचा, आप ठहरे बुजुर्ग आदमी, आपको तो छोड़ ही देंगे। लेकिन हमें धर देंगे, ऊपर से ठोकेंगे बोनस के तौर पे वो अलग। जुर्माना भरने का भी पैसा नहीं है, पकड़ेंगे ना तो पक्का ले जाएंगे और जेल तो कन्फर्म है। चुप, काहे बकर बकर कर रहे हो इतना, हम है ना तुम्हारे साथ, चुपचाप बैठो, हमारे पास स्पेशल टिकट है। टिकट तो घर बुलाए हैं। चलो यार। अरे रुको, ये देखिए हमारा स्पेशल टिकट। अब देखना हमारा कमाल। भाई साहब टनिक डाल दो ना, थोड़ी सी थोड़ी सी। ले 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 ले। धन्यवाद। क्या यार? क्या? अब देखना कमाल। दे 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 दे। ओए चचा, अरे क्या क्या यार? सॉरी। अरे क्या कर रहा है यार? चुपचाप बैठो। टिकट प्लीज। अरे मैं जीतूंगा देख लेना। थैंक यू। टिकट प्लीज। ए साहब, क्या है ये? टिकट है साहब, हम चारों की टिकट है इसमें, ये मेरे पोते हैं तीनों। क्या दादा, इतनी उम्र हो गई लेकिन टिकट संभालने का सलीका नहीं आया। साहिब बुढ़ापा, बुढ़ापे में शरीर टूट जावे है, सुबह से पेट खराब है, बार बार ट्रेन के शौचालय में जा रहे हैं साहब। अभी गए थे, अचानक टिकट लैट्रिन में गिर गई, बड़ी मुश्किल से निकाले साहिब। ठीक है ठीक है, रखो रखो। अरे देखिए तो साहब, अभी तक पीले पीले निशान है। पागल हो गया क्या? अरे साहब आप तो देखिए, रखो रखो, गंदा करके टिकट दिखा रहा है। रख। अरे साहब आप देख लीजिए, साहब ये देखिए टिकट। अरे साहब, अरे पूरी बटालियन बुलाए का? अरे साहब, ओ साहब, अरे देख के तो जाइए। अच्छा।
जब तक कांता दीदी यहाँ थी घर पे काफी रौनक थी ना, साहेब भी खुश रहते थे। अब तक कांता दीदी की फ्लाइट अमेरिका पहुंच गई होगी ना? मुझे क्या पता। अच्छा बताइए आज डिनर में क्या बनाओ? मुझसे क्यों पूछ रही हो? बताइए ना। आजकल साहब को मेरे हाथ का खाना कहाँ पसंद आता है? आप मुझसे नाराज लगती हैं। मैं क्यों नाराज रहने लगी तुमसे? वैसे ये चोचलेबाजी बंद करो। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो बना लो, फिर भी समझ में ना आए तो साहब को फोन करके पूछ लो क्या बनाना है। बैठो बैठो। आप लेटी रहिए। कैसा फील कर रहे हैं आप? अब ठीक हूँ साहब। साहब वो तो मातुन ने मुझे बुला लिया, नहीं तो कहीं अगर हॉस्पिटल ले जाने में देरी होती तो गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला है कि 8-10 दिन में ठीक हो जाएंगी। ठीक है साहब। कल मुझे मेरा बेटा मसूरी ले जाने आ रहा है, ठीक होते ही आ जाऊंगी। मैं श्याम बिहारी से बोल दूंगा, आपको छोड़ाएगा। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। मातुन बेटा जी। मैं आपके लिए जूस लेके आऊं? कोई जरूरत नहीं है। आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं चली जाऊंगी कहीं। मैं आपको अपनी माँ से समझती हूँ। कितना ख्याल है इस लड़की को मेरा, मुझे लगता है मैं ही ज्यादती कर रही हूँ इस लड़की के साथ। अगर साहब को इसके हाथ का खाना पसंद आया तो इसमें इसका क्या कसूर है? मासी, लक्ष्मी जी, आप ठीक तो है? मैं तुमसे नाराज थी, अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। लेकिन फिर तुम कभी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाओगी, वरना फिर नाराज हो जाऊंगी। चलो अब मेरी सेवा करो, जाकर मेरे लिए जूस लेकर आओ। अभी लेके आई। पगली कहेगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज कौन सा नया ज्ञान देने आई है मुझे फूल पत्तियों के बारे में? अरे सुरेंद्र काका, आज मैं ज्ञान नहीं गाजर का हलवा देने आई हूँ। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? अरे शुद्ध देसी घी का बना है, सोच लीजिए। ठीक है। अच्छा दे दो लाओ। दूं? अच्छा है ना, खाइए। हम्म?
मातन, क्या हुआ? सब सब मुझे बिजली तूफान से बहुत डर लगता है। सब जब तक आंधी तूफान खत्म नहीं हो जाता तब तक मुझे अपने कमरे में रहने दीजिए। लेकिन इतनी रात, प्लीज, सच में मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। ठीक है, तुम वहां सोफे पे जाके बैठ जाओ। थैंक यू, थैंक यू। रहमान चाचा, सलाम। सलाम बेटा। वो साहब कहाँ चले गए? साहब तो आज सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए, श्याम बिहारी को भी नहीं बुलाए, खुद ही ड्राइव करके चले गए। सागर आए हैं। मिस्टर सागर से कहो कि नेक्स्ट वीक आए, बिकॉज़ आई एम नॉट वेल। ओके? ओके सर। सुनो अनीता। यस सर। ऐसा करो, इस वीक के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं सबको कैंसिल कर दो। श्योर सर। खाना लगा दूं? क्या बात है साहब, सुबह भी ब्रेकफास्ट किए भी नहीं चले गए आप? कल रात जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका छूना। हाँ, बाद में आपने जो पुश किया वो ठीक नहीं था। किसी को प्यार करना पाप नहीं है। तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटी हो,
सुनीता की आत्मा को ठेस पहुंची होगी। तुम्हें बताओ क्या करूं मैं? ये लड़की बिल्कुल तुम्हारी नकल करती, खाना बनाने से लेकर प्यार करने तक। शाम करूं मैं हर
तुम यहां क्या कर रही हो? पूजा कर रही हूं। ये मूर्ति तुम्हें कहां से मिली? कल रात सुनीता दीदी मेरे सपने में आई थी। वो काफी खुश लग रही थी। वो कह रही थी कि उनके प्यारे किशन कन्हैया की पूजा बरसों से नहीं हो रही है और वो चाहती है कि मैं ये काम दोबारा शुरू करूं। उन्होंने ही बताया मूर्ति अलमारी में है। तुम सच कह रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। देखो, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। हाँ, बोलिए। कल रात जो हुआ, जो कल रात हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ना जाने कैसे मैं जज्बात के रौ में बह गया। दोबारा ऐसा नहीं होगा, यही कहना चाहते हैं ना? और ये भी कहेंगे कि आप अपने पत्नी की यादों के साथ धोखा नहीं करना चाहते और इसलिए मैं आपकी जिंदगी से दूर चली जाऊं। हाँ, अगर आप चाहे तो मुझे इस घर से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकती। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं इस पागल लड़की का। सीडीज किसने रिप्लेस किया? मैंने। किससे पूछकर? मुझे ठीक लगा तो मैंने रिप्लेस कर दी। उस रात जो गलती हुई थी उसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने आप को मेरी बीवी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दो। एक बात हमेशा अपने जहन में रखो कि तुम सुनीता की जगह कभी नहीं ले सकती। मैं सुनीता दीदी की जगह नहीं लेना चाहती और ना ही मैं ले सकती हूँ। मैं तो बस उस इंसान को जिसे मैं बेहद प्यार करती हूँ उसे खुश देखना चाहती हूं। तो फिर सीरीज रिप्लेस करने की क्या जरूरत थी? यही चाहिए ना आपको? ये रफी के दर्द भरे नगमे, ये मुकेश के दर्द भरे गीत और किशोर कुमार के दर्द भरे गाने। खूब सुनिए इसे और डुबोए रखिए अपने आप को गम के समंदर में। जैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, वैसे आप दर्द के एडिक्ट। खुशियों से डरते हैं आप। आप यही चाहते हैं ना कि मैं यहां से चली जाऊं? मैं चली जाऊंगी, बस लक्ष्मी मौसी को आ जाने दीजिए। माथुन, माथुन, जैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, वैसे आप दर्द के एडिक्ट। खुशियों से डरते हैं आप। बात करो कि तुम मेरे जाने के बाद बिल्कुल नहीं रोगे। बात करो। Thank you.
वो महकी महकी रातें वो भीगे भीगे पल आते हैं याद मुझको वो गुजरे हुए कल। वो महकी महकी रातें वो भीगे भीगे पल आते हैं याद मुझको वो गुजरे हुए कल। शब कैसी आई है बिखरी तन्हाई है, शब कैसी आई है बिखरी तन्हाई है, दर्द बहते हैं आँखों से हर पल। दिल मेरे अब कहीं और चल, कहीं और चल। दिल मेरे अब कहीं और चल, कहीं और चल। दिल मेरे अब कहीं और चल, कहीं और चल। दिल मेरे अब कहीं और चल, कहीं और चल। मातुन कहाँ है? उसकी तबीयत खराब है। दिल मेरे अब कहीं और चल, कहीं और चल। दिल मेरे अब कहीं और चल, कहीं और चल। दिल मेरे अब कहीं और चल, कहीं और चल। दिल मेरे अब कहीं और चल, कहीं और चल। आज कार्तिक महीने का चौथा दिन है। आज के दिन शादीशुदा औरतें अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, अपने पति की लंबी उम्र के लिए। मैं भी व्रत रख रही हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। आपका चेहरा देखे बिना मैं पानी नहीं पीऊँगी। साहब आज बड़ी देर हो गई, रात के 11:30 बज गए। ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था इसलिए देर हो गई। दीजिए। ये मातुन सो गई क्या? साहब वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? अरे मातुन क्या हुआ? मातुन मातुन अरे उठो मातुन, रहमान रहमान मातुन। कोई है उसके साथ हॉस्पिटल में? जी सुरेंद्र है वहां, अभी मैं जाऊंगी तो वो आ जाएगा। ठीक है। आप हॉस्पिटल हो ये, कुछ पैसे रख लीजिए अपने साथ। जी खाना लगा दो साहब। लक्ष्मी जी भूख नहीं है, काफी लेट लंच लिया था ऑफिस में। ठीक है साहब, गुड नाइट। गुड नाइट।
भीगे रतियाँ सैयाँ सैयाँ काटूं कैसे मैं बता सैयाँ बंजर है नींद विदे बेकल है जियार तू न जाने काटी कैसे कारी कारी रतियाँ है तुम बिन प्यार सांवरिया दिन हुए रे पराए गम के फैले हैं साए नैना मेरे बरसाए खारा पानी दिन रतियाँ कैसी हो मातुन? मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। नाराज हो मुझसे? नहीं तो परसों तुम्हारी बेहोशी की बात सुनकर बहुत डिस्टर्ब हो गया था मैं इसलिए हॉस्पिटल में मुझे देखने भी नहीं आए। हॉस्पिटल तो इसलिए नहीं आया क्योंकि चलिए रहने दीजिए। अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो आप कर भी क्या सकते हैं और करें भी क्यों? एक मामूली सी नौकरानी के लिए आप जैसा बड़ा आदमी परेशान भी हो क्यों आखिर? अब तुम ही बोलती रहोगी या मुझे भी बोलने दोगी?
मैं कौन होती हूँ आपको बोलने से रोकने वाली? और वैसे भी कल सुबह मैं यहाँ से जा रही हूँ हमेशा के लिए। तुम कहीं नहीं जा रही हो। आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। मैं जानता हूं तुम्हें कैसे रोकना है। आसमान से सुनीता हम दोनों को देखकर कितनी खुश हो रही होगी। क्यों ना होंगी वो खुश आपको खुश देखकर। कितना प्यार करती थी वो आपसे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। मुझे प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आप सुनीता दीदी को भूल जाए। उनका एहसास हमेशा अपने जिंदगी में बनाए रखिएगा। हम दोनों मिलकर उनकी यादों को हमेशा जिंदा रखेंगे। तुम्हारी सोच तुम्हारी बातें कितनी ऊंची हैं। कभी कभी तुम फिलोसफी के प्रोफेसर की तरह बातें करती हो। अच्छा कैसे हो सुरेंद्र? सर नमस्ते। फूलों की काफी अच्छी वैरायटीज लगाई हुई है। सर मैडम की सलाह थी, उनको फूलों के बारे में बहुत जानकारी है। मातुन की? जी साहब। ठीक है। चाय रख दो यहाँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। आज संडे है और अब सुबह से काम कर रहे हो, थोड़ा आराम कर लीजिए। बहुत अर्जेंट है, सूरज को बुलाया था वो अभी तक आया नहीं। तुम एक काम करो, तुम सूरज का नंबर ट्राई करो, तब तक मैं चाय पीता हूँ। जी। आप किस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं? वो इस समय उपलब्ध नहीं है। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़का है। अब एक दो मेल तो ठीक है, अब इतने सारे ईमेल मैं कैसे टाइप करूंगा? वैसे भी संडे है, ऑफिस में कोई आया नहीं, पता नहीं चल रहा कैसे मैनेज करूंगा मैं। मैं कुछ हेल्प करूं? तुम क्या हेल्प कर सकती हो? मैं डॉक्यूमेंट्स टाइप कर देती हूं। तुम कंप्यूटर ऑपरेट करना जानती हो? हाँ। कहां से सीखा? कमल एक साइबर कैफे चलाता था, उससे ही मैंने कंप्यूटर सीखा। रियली? जब तुम इतनी टैलेंटेड हो तुम्हें बताना चाहिए था। कम से कम किचन में तो काम नहीं करना पड़ता तुम्हें। तब मैं बहुत मजबूर थी और घबराई हुई भी, लेकिन अब तो मुझे आपके लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। वो सब छोड़िए, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, मैं टाइप कर देती हूँ। Would you like to work in my office? मेरा मतलब है कि क्या तुम मेरे ऑफिस में काम करना चाहोगे? इतनी इंग्लिश तो मुझे आती है। By the way, I'm a graduate. लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। अपॉलोजी एक्सेप्टेड, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? मेरी सीट आपके कैबिन के बिल्कुल सामने होनी चाहिए, ताकि मैं जब चाहूं आपको देख सकूं। नो प्रॉब्लम। अरे क्या कर रही हो तुम? लक्ष्मी आ जाएगी। आने दीजिए। गुड मॉर्निंग। अरे मातुन मैम, आप हो? हाँ शाम भैया, मैं ही हूँ। जैसा जॉब वैसा ड्रेस। ठीक कहा आपने, उका हमरे चाचा रहे, उकात रहे ए बबुआ, जैसन देश वैसन। प्रणाम साहब। प्रणाम। गुड मॉर्निंग। आओ। थैंक यू।
थैंक यू। हे गाइस, हाय, हाय, मातून, नाइस टू मीट यू। हेलो, हेलो, हाय। कम सूरज जी। सर, लगता है आरओ चार्ज रजिस्ट्रेशन का इश्यू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। रावत का बार बार फोन आ रहा है। तुम ऐसा करो, अभी ऑफिस चले जाओ। ओके ओके सर। और हो सके तो कंपनी सेक्रेटरी मिस्टर खंडूरी को भी इसमें इन्वॉल्व करो। ओके सर। आओ माथुर, देख रही हो बिल्डिंग? सुनीता का बहुत बड़ा सपना था कि यहां नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल बने। जानू, ये प्रोजेक्ट 110 करोड़ का है। हमारे पास इतने फंड्स हैं नहीं। पैसे आएंगे कहां से? डोंट वरी, हमारे पास 50 करोड़ तो है ही, और बाकी के डोनेशन से और गवर्नमेंट एड से आ जाएंगे। Are you sure? Yes, I'm sure. पता है, मेरी लाइफ का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, मेरा मकसद है ये, और अगर इसे किए बिना मैं मर गई ना, तो आत्मा भटकेगी मेरी। सुनीता, ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते। Don't have to say such things. We'll make it. अभी काम चल ही रहा था कि सारे फंड्स खत्म हो गए। बीच में सुनीता ही छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद तो जैसे सब कुछ मैं भूल ही गया था, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करूंगा। हेलो मौसी, आ गई। बताइए, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? अरे, अभी तो ऑफिस से आई हो, थक गई होगी। जाओ, जाकर आराम करो, मैं कर लूंगी। नहीं मासी, प्लीज। अरे, कुछ तो दीजिए। चलो, ये भिंडी काट दो। ठीक है, लो। ये दीजिए। मातुन, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मासी, बस। ध्यान से काटना, कली चाकू को धार लगवाई है, कहीं लग न जाए। अरे सूरज बेटा। नमस्ते मासी। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? बस एक ठंडा ग्लास पानी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और बेटा, क्या चल रहा है आजकल? बस सब ठीक चल रहा है मासी। काम का सब ठीक चल रहा है ना? जी। लो सूरज पानी। थैंक यू मासी। सूरज, कुछ और चाहिए? नहीं मासी, बस पानी चाहिए था। थैंक यू। अच्छा, बड़ा ही शरीफ लड़का है। इसके पिताजी बद्रीनाथ शर्मा अपने साहब के बड़े करीबी थे। 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। बड़े नेक दिल इंसान थे। ये सूरज भी बिल्कुल वैसा ही है। हाँ मौसी, अगर नेक और भले इंसान नहीं होते तो मुझे इस घर में पनाह कैसे दिलाते? वो तो है। एक बात कहूँ? हाँ मौसी, कहिए। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि सूरज तुम्हें बड़े ध्यान से दिखता है। सूरज बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे खानदान से है, अच्छी नौकरी है उसकी। तुम कहो तो तुम्हारी बात चलाऊं उसे? नहीं मौसी, मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों?
ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। नया थोड़ी ही है। या फैमिली ट्रेडिशन। यस। ठीक है ठीक है, मिलते हैं मिलते हैं। आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं। यह हंसी भी तुम्हारी दी हुई है। मेरी तो ये जिंदगी भी आपकी दी हुई है। अगर कल आप नहीं होते तो मैं मर ही जाती। एक पल के लिए मैं भी डर ही गया था। चलिए, इसी बहाने आपने मुझे गले तो लगाया। तुम्हें इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है? एक बात कहना चाहता था मैं तुमसे। तुम इस तरह से रात में मेरे कमरे में मत आया करो, लक्ष्मी को शक हो जाएगा। आप हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक क्यों नहीं कर देते? सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। जमाने के पास आने की हिम्मत नहीं है अभी मुझ में। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, मैं जिद नहीं करती, लेकिन आप मुझे अपने आप से दूर जाने के लिए मत कहिएगा। अगर मैं तुमसे दूर हो गया तो मैं दुनिया से ही दूर चला जाऊंगा। ऐसे दिल तोड़ने वाली बात मत कीजिए। मुझे आपसे एक और बात करनी थी। बोलो। वो श्याम बिहारी को कुछ पैसे चाहिए थे। तुम्हें मालूम है कि सेफ और अलमीरा की चाबी कहाँ रखी हुई है। तुम्हें जितने पैसे निकालने हैं निकाल लो और श्याम को दे दो। लेकिन कीज मुझे। हमारे तुम्हारे बीच में ये लेकिन वेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं तुमसे। आज से सुनीता के कमरे की साफ सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी और उसके कमरे में जो कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी हुई है उसकी पूजा भी तुम ही करना। सुनीता की आत्मा को शांति मिलेगी। जी। लगता है सैगल और रावत आ गए। तुम उनके लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना लो। तुम्हें शर्म नहीं आती साहब के बारे में ऐसी बातें करते हुए? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, मातुन को साहब का हाथ चूमते हुए। नहीं यकीन होता? गीता से पूछो, जरा बता तूने क्या देखा क्या सुना। अब तू भी बता दे क्या तूने देखा, झूठ नहीं बोलना, समझी? जब मैं साहब के कमरे के बाहर सफाई कर रही थी तब मैंने मातुन को उनका हाथ चूमते हुए देखा। चुप कर बदतमीज। लालचमी जी, बात साहब की नहीं है, मातून ही चालाक मालूम पड़ती है, उसी ने साहब को बहकाया होगा। हाँ। अच्छा? हाँ। बड़े बेशरम हो शाम। उसी ने साहब को कह के तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए पैसे दिलवाए और तुम होके उसी पे लांछन लगा रहे हो। भूल गए क्या साहब के कितने एहसान है तुम पर? लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बहुत हो गया। सच्चाई कुछ भी हो मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मातुन की वजह से परसों के बाद साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब तुम सब लोग कान खोल कर सुन लो, यहाँ की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? जी। अब तुम लोग जाओ।
इतनी रात को ये कहा जा सकती है? कहीं वो लोग मौसी उठिए ना, उठिए ना। क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। सबसे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ठीक है, बोलिए। ये बता, कल रात को कहाँ गई थी? साहिब के कमरे में। मौसी, मैं आपसे साहिब के बारे में ही बात करना चाहती थी। आप तो मेरी माँ की तरह हो, आपसे क्या छुपाना। मौसी, मैं साहिब को पसंद करने लगी हूँ। वो भी मुझे पसंद करते हैं। बस दुनिया के डर से मुझे अपनाना नहीं चाहते। मतलब तुम साहब से शादी करना चाहती हो? हाँ। मसी, आपको नहीं लगता सुनीता दीदी के जाने के बाद साहिब को किसी साथी की जरूरत है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मौसी? साहब की खुशी में ही मेरी खुशी है। मीटिंग कहाँ पे है? मुंबई में। मुझे भी साथ ले चलिए ना। तुम्हें पता है कि वहां सूरज भी होगा? ठीक है, फिर मैं जिद नहीं करती। वैसे आपकी फ्लाइट कितनी बजे है? 6 बजे की। मातून, 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 गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर, इट्स योर कीज। थैंक यू। थैंक यू सर। ड्रामा है मातून? क्या ड्रामा है? आप मुझे साथ नहीं लाए,
तो मुझे ये ड्रामा करना पड़ा। अरे लेकिन ये होटल वाले क्या सोचेंगे? हाय, क्या सोचेंगे? उनके होटल में पहली बार कोई हस्बैंड वाइफ आया है क्या? हमें दूसरा रूम लेना होगा। तब तो उनको पक्का शक हो जाएगा। अरे तो फिर क्या करें हम? कुछ मत कीजिए। कल सुबह सूरज आने वाला है ना? नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब? एक मिनट। हाँ मतुन बोलो। साहब आपका नंबर ट्राई कर रहे थे लेकिन नंबर लगा नहीं। आपके लिए एक मैसेज है। मैसेज? जी। क्या मैसेज? आपको मुंबई नहीं जाना है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि वो अकेले मैनेज कर लेंगे। ओके, ठीक है। सिंपल। आई कांट बिलीव दिस। बिलीव तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि मैं आपके इतने करीब आ गई हूं। कल तक तुम मेरे लिए एक गैर की तरह थी, आज ऐसा लगता है जैसे तुमसे ज्यादा करीब इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। मेरे दिल में बस आप ही आप बस गए हैं। पता नहीं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, पता नहीं मुझ में क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हो। दिल की बात है, दिल ही जाने। मुझसे शादी करोगे? फिर से कहिए अभी जो आपने कहा। Will you marry me? Yes, 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 yes. थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं दुनिया की परवाह नहीं करूंगा। तो फिर हमारी शादी का अनाउंसमेंट कब करेंगे आप? बहुत जल्द। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मन करता है ऐसे ही आपकी बाहों में सिमटती चली जाओ, मेरी सांसें रुक जाए और मेरे जीवन को विराम लग जाए। पागल लड़की। अच्छा एक बात और, अभी ये सब हमारे तुम्हारे बीच ही रहे। कल मैं कांता दीदी से बात करूंगा, फिर डिसाइड करेंगे। पक्का? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sahib, happy birthday to you, happy birthday Malhotra Sahib. Thank you sir.
प्लीज फ्रेश हो लीजिए। थैंक यू। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा करीब 10 साल के बाद अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी में ये पार्टी अरेंज की गई, इसलिए बहुत कम लोगों को यहाँ इनवाइट किया गया। इस मौके को खास बनाने के लिए मैं मिस्टर मल्होत्रा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो केक काटें। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear son. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. याद है एक जमाने में मल्होत्रा साहब की पार्टी पूरे देहरादून में मशहूर हुआ करती थी। बहुत जम रहे हैं। अरे मल्होत्रा जी, कॉलेज के जमाने में तो बड़ी शेर और शायरी किया करते थे, आज मौका है सुना दीजिए। नहीं नहीं, अरे यारा सुना देना प्लीज। सुनाइए जनाब। वो मुझ पे अजीब असर रखता है, वो मुझ पे अजीब असर रखता है, दिल की तमाम खबर रखता है। शायद मैं उसे भूल जाता ही मगर, शायद मैं उसे भूल जाता ही मगर, याद आने के वो तमाम हुनर रखता है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए। यू वेलकम। तुम्हारी वजह से फिर से एक बार जीने का एहसास हो गया है मुझे, लेकिन कभी कभी डर लगता है। डर? तुम मुझसे वादा करो कि कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी मुझे, और अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। ऐसे शुभ मौके पर ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप? मैं आपको दगा दूं, ये पॉसिबल नहीं। अब तो आप ही मेरे लिए सब कुछ है। मैंने कांता दीदी से सब कुछ बता दिया है तुम्हारे बारे में। सच? क्या बोली कांता दीदी? आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ तुमसे मिलने। वाओ, मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है अपने बारे में। बोलो। रहने दीजिए, आज नहीं, कल बात करते हैं। और वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। रात बहुत हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। क्यों? क्या सोचेगी लक्ष्मी? लक्ष्मी मौसी ना सब समझती है, कुछ नहीं सोचेगी। और वैसे भी आज मैं बर्थडे बॉय को तो अकेला नहीं छोड़ सकती।
फोन करने का। I need some more time. तो मैडम को और टाइम चाहिए? हाँ, I need some more time. By the way, we'll get your sheriff money very soon. तुम्हें मालूम है ना मुझे तुम्हारी इंग्लिश में बोलने की आदत पसंद नहीं है। हिंदी बोल। इंतजार करो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। जब तक मैं अविराज को सच सच नहीं बता देती तब तक सूरज से कुछ ना कुछ बहाना बनाना ही पड़ेगा। सूरज, have patience. Give me a week time, okay? Time क्यों चाहिए तुम्हें? इतने सारे प्रूफ हैं तुम्हारे पास। एक आध वीडियो दिखा दो उस मल्होत्रा को। 10-15 करोड़ रुपए तो यूं ही दे देगा अपनी इज्जत बचाने के लिए। ठीक है, ठीक है। कहीं तुम्हें मिसेज मल्होत्रा बनके इस प्रॉपर्टी को हड़पने का आइडिया तो नहीं आ गया? उस बुड्ढे से कौन शादी करेगा? मातोन, सॉरी, क्या कहूँ तुम्हें? मिस ब्लैकमेलर या तुम्हारा असली नाम मिस मारिया? 2 दिन है तुम्हारे पास। अगर 2 दिन में मेरे पैसे का बंदोबस्त नहीं किया ना तो तुम्हारी ही असलियत जाके उस बुड्ढे को बता दूंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी। आनी भी नहीं चाहिए। अभी जाओ यहाँ से। तुम जाओ। अरे जाओ। तुम जाओ, मैं बाद में जाऊंगा। मरो। सोच रहे अभिराज, आपको ना गलतफहमी हुई है। अभिराज, अभिराज, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। अभिराज, मैं आपको बताने वाली थी। अभिराज, अभिराज, दरवाजा खोलिए। अभिराज, प्लीज दरवाजा खोलिए। अभिराज, अभिराज, दरवाजा खोलिए ना। अभिराज, देखो मैं फिर से बोलता हूँ, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो।
मिस्टर मेहता, आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपकी इज्जत तो करोड़ों में है। मैंने तो बस एक छोटा सा अमाउंट ही मांगा है आपसे। ये रहा सूटकेस। ब्लैकमेलर्स, एक बार अमाउंट मिल गया तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? घबराइए मत मैडम, आप ही की तरह हूं। आपसे एक डील करना चाहता हूं। डील? ये जो 5-10 लाख की चिंदी चोरियां आप करती है ना, ये करना छोड़ दीजिए। करोड़ों का बड़ा हाथ मारते हैं। मल्होत्रा जी की इच्छा अनुसार मैं उनकी विल आप सबके सामने पढ़ रहा हूं। दिल्ली का कमर्शियल स्पेस मिस्टर सुधाकर कपूर के नाम होगा। मिसेस कांता शर्मा को उधम सिंह नगर का फार्म हाउस, और फाइनली देहरादून की सारी प्रॉपर्टी मिसेज मातून मल्होत्रा को जाती है। इसके अलावा मिस्टर मल्होत्रा के सभी शेयर्स, फैक्ट्रीज और ट्रस्ट की जिम्मेदारी मिसेज मातुल मल्होत्रा को निभानी पड़ेगी। गम का दरिया है ठहरा हुआ और मौजों में तूफान है, उजली उजली सी सुबह बुझ गई, जिंदगी कितनी वीरान है। अभिराज, तुम्हारे बिना मैं अकेले क्या कर पाऊंगी? तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को मैं पूरा करूंगी। शायद इससे मेरे मन का मलाल धुल जाए। रहमान चाचा। माधुन बेटा, वो सूरज बाबू ने ये चिट्ठी आपके लिए दी है। मैं जाऊं बेटा? जी। मेरे पिता बद्रीनाथ शर्मा के लिए मिस्टर मल्होत्रा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे, और फिर जब पिताजी गुजर गए तो मैं उनके साथ काम करने लगा। बड़े एहसान थे उनके मेरी फैमिली पर और मुझ पर। फिर भी ना जाने कब मेरे मन में रातों रात अमीर बनने का लालच समा गया। फिर जो हुआ वो तो तुम जानती हो। मैंने सोचा ही नहीं था कि इस काम का अंजाम इस तरह से होगा। अब इस गुनाह के एहसास ने मुझे जिंदा लाश बना दिया है। ऐसा लगता है कि यह शहर और यहाँ की गलियाँ मुझे कोस रही हूँ, इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ, बहुत दूर, कभी ना लौट कर आने के लिए। रुध कैसी आई है, खामोशी छाई है, रुध कैसी आई है, खामोशी छाई है, दर्द बहते हैं आँखों से हर पल। Thank you.
सुबह मातुन मेरे घर आई थी और मेरे गार्ड को ये एनवेलप थमा के चली गई, मुझसे मिली भी नहीं। दीदी मैं माफी चाहती हूँ, इस तरह बिन बताए और अचानक जाने के लिए, ये बेचैनी और ये घुटन सब मेरे ही गुनाहों की सजा है। ये हॉस्पिटल उनका सपना था जो मैंने पूरा कर दिया। अब आगे की जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। मैंने पावर ऑफ अटर्नी आपके नाम पे कर दिया है ताकि ट्रस्ट या हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी फैसला लेने में कानूनी अड़चन ना आए। दीदी मुझे नहीं पता कि मेरी धड़कनों को विश्राम कब मिलेगा, कब मिलेगा और कहाँ लगेगा। मेरी सांसों को पूर्ण विराम। बड़ा अजीब है सफर ये जिंदगी का सफर, रुके रुके है रास्ते न मंजिलों की खबर। ये जिंदगी